58 का ये पार्क बना सेक्स वर्करों का अड्डा। अंधेरा होते ही अपना डेरा डाल लेते हैं। बहुत से लेबर इन्हीं सेक्स वर्करों के साथ अपना कुछ पल बिताते हैं। पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में और मैं हूँ आपके साथ रचना सिंह। ये बच्चे जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, वे आने वाले कल के भविष्य हैं। जी हाँ, वो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आने वाले कल में कुछ अच्छा कर गुजर सकते हैं। लेकिन इसी बीच हम आज नोएडा के सेक्टर 58 के इस पार्क में मौजूद हैं और आज हम आपको एक काले सच के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे पीछे आए और इस काले सच का खुलासा आज हम वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से करेंगे। नोएडा के सेक्टर 58 के इस पार्क में जिस तरह से सेक्स वर्कर्स का ये खेल चल रहा है, वो आंखों देखा है। जी हाँ, इस काले सच को आज हम आपके सामने रख रहे हैं। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से इस खेल को अंजाम देने के बाद जो कॉन्डम के पैकेट्स हैं, वो जगह जगह, यानी कि एक तरह से देश में स्वच्छ भारत मिशन को लेके तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, तमाम तरह के स्वच्छता को लेके तमाम तरह की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन आप ठीक सामने देख सकते हैं, वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से हम इस काले सच का खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से सेक्स वर्कर्स जो हैं नोएडा के इस पार्क में तबाही मचा के रखे हुए हैं और एक घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं। आज हम आपको इस पूरे काली सच्चाई के बारे में बता रहे हैं वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से। आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह जो है कॉन्डम के पैकेट्स जो हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें इस तरीके से पार्क में फेंक दिया जा रहा है, यानी कि जो गंदगी है उसका प्रचंड तांडव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उधर चलो, अंदर लगा देना वहाँ पे, हाँ इस गली में लगा दो, वहाँ कोई नहीं। अच्छा, गली में अगर बाई दवे अगर आ जाता है, अरे वहाँ नहीं आते, नहीं यही तो आएगा, वहाँ थोड़ी ना आएगा गली के अंदर। वैसे नहीं भल, अगर वो आएगी पुलिस इधर तो तुम उधर से उधर ही निकल जाना। गली बार तो आने की नहीं, 10 बजे के बाद ही आते हैं, अभी तो आने का टाइम ना है। आ जाओ, अगर वो पुलिस वाला आ गया फिर क्या होगा? कोई नहीं आता, नहीं आएगा। कैसे पुलिस वाले को पैसा देती हो क्या? और क्या, ऐसे थोड़ी खड़े होने देगा किसी को यहाँ पे? ए, कोई नहीं आ रहा बाबू, आपको करना हो तो करिए, नहीं तो जाओगी पुलिस तो आएगी, ऐसे खड़े जाओगे, भीड़ लगाओगी तो। और नहीं तो तुम अगर पैसा तुम देती होगी, हाँ तो कैसे आ जाएंगे? पैसा देती हो ना? हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब पैसा देते होंगे ना? तो आप जाने। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इस पार्क में सेक्स वर्कर्स का जो खेल चल रहा है वो लगातार जारी है और इसी को लेकर हम अपने सहयोगी मुकेश जी से बात करेंगे कि आखिर जो स्वच्छता को लेके मिसालें दी जा रही थी, जो जगह जगह ये बोला जा रहा था कि नोएडा जो है जिस तरीके से ये डेवलपमेंट एक सिटी है और उसके बाद इसे स्वच्छ बनाने की जो नीतियाँ थी, लेकिन साथ ही इस तरह के घिनौने कारामात हमारे समक्ष है, क्या कहेंगे आप? रचना बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जो स्वच्छ नोएडा वाली बात है, क्लीन नोएडा वाली बात है, ग्रीन नोएडा वाली बात है, ग्रीनर जो है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो पड़े हुए हैं सेक्स वर्क के द्वारा इस्तेमाल किए हुए कंडोम देख सकते हैं आप, मैं दिखवा रहा हूँ, हमारे साथ है हमारे जो देख देंगे, ये इस्तेमाल किए हुए वो कंडोम हैं जिनको सेक्स वर्कर प्रतिदिन रात को यहाँ इस्तेमाल करते हैं और अंधेरे के दौरान। आपको बता दिया जाए कि मैं दर्शकों को यही बता दूँ कि ये जो साइड में लाइट दिख रही हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लाइटें ऐसी हैं जो जलती ही नहीं हैं, रात को कंटिन्यू अंधेरा रहा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है। अब इसके अंदर किसकी मिली भगत हो सकती है, इसका तो स्वयं नोएडा प्राधिकरण जांच कराएगा कि इसके कौन दोषी हैं, लेकिन ये बता दूँ हमारे जो बिल्कुल छाने, यानी कि जो हमारे कैमरा मैन के बैक साइड के अंदर जो सोसाइटियाँ हैं उसके पॉश कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं और ऑफिसर्स हैं, और साथ ही इसके हमारे लेफ्ट से में देखेंगे तो उस साइड में भी हमारे जो सोसाइटियाँ हैं बहुत अच्छी अच्छी पॉश कॉलोनी हैं और इस साइड में इंडस्ट्री है, तो इतनी अच्छी सोसाइटीज़ होने के बाद जो यहाँ पर पार्क में कौन आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये होता है, ये पार्क बनाया किसके लिए? लाखों रुपया खर्चा जाता है यहाँ पर, रखरखाव रखा जाता है, यहाँ मेंटेनेंस किया जाता है, नोएडा प्राधिकरण क्या देख रहा है, कहाँ सुपरवाइजरी है इनकी, मुझे कुछ नहीं था, ये केवल वॉइस ऑफ भारत ही बता सकता है आपको, कोई नहीं बताएगा। जी जी मुकेश जी, जिस तरीके से हम वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से इस काले सच का खुलासा कर रहे हैं और इसी पे सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है कि ये जो बच्चे हैं
वे भविष्य हैं आने वाले कल के, उन पे कितना बुरा असर पड़ेगा इन करामात को देखने के बाद? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों पे कितना फर्क पड़ेगा। बच्चे आज समझदार हैं, युवा पीढ़ी है, और इनको हम जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे जो होते हैं, इनको हम किस तरफ ले जाएं? कोई स्पोर्ट्स में जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, लेकिन ये जो घिनौना सच, काला सच जो वॉइस ऑफ भारत दिखा रहा है, पूरे देश को दिखा रहा है, अगर ऐसा पूरे नोएडा में अगर हो रहा होगा तो उसको कैसे हमारी युवा पीढ़ी स्वीकार करेगी? कौन इन पार्कों में आएगा? कौन पेरेंट्स अपने बच्चों के यहाँ खेलने के लिए भेजेगा? मैं ये बात नोएडा प्राधिकरण के CEO हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, वॉइस ऑफ भारत पूछता है इस बात को कि क्या इस पार्क के अंदर क्या अपने बच्चों को भेजेंगे वो CEO साहब? ये सबसे बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, तो देखा जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि आखिर इस काले सच के सामने आने के बाद कौन अपने बच्चों को, कौन वो माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को इस पार्क में खेलने के लिए भेजेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा कि बच्चे जो आने वाले कल के भविष्य हैं, कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो आने वाले कल में वो अपने समाज को सुधारने की बात करेंगे या फिर समाज के इस गंदी नीतियों को देखकर वो क्या कुछ सीखेंगे और उन पे कितना बुरा असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जिस तरीके से हमारी टीम ने इस काले सच का खुलासा किया है वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से और बताया है कि इस पार्क में किस तरीके से गंदे कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है, तो आइए अब हम अपनी टीम से ही जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके की जो गंदगी है वो फैलाई जा रही है, चूंकि शौचालयों में लाइट की व्यवस्था नहीं है और पार्क में भी लाइट नहीं है। मुकेश जी, क्या बताएंगे आप? रचना, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो घिनौना काम हो रहे हैं ये रात को इसी जगह से अंजाम दिए जाते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री होने के नाते बहुत से कारीगर ऐसे होते हैं, लेबर ऐसी है जो बाहर के यहाँ पे आगे रहती है, तो उनको भी कुछ पल ऐसे चाहिए होते हैं जो कि सुकून भरे होते हैं, तो उसी तलाश में वो यहाँ पर आते हैं और इन लोगों के साथ अपना टाई अप करने के बाद यहाँ पर से फिर अंदर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो लाइट दिख रहे ना, ये पोल, ये लाइटें नहीं जलती, सबसे पहली बात लाइट, और इसी के साथ ये लाइट तो देखी जाए, इसके साथ ये देखिए, अब मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर आएँ मेरे साथ, और ये देखिए, कहने को यहाँ पर लाइन है, लाइट है, लेकिन दिखावटी के लिए है, ये जलती नहीं है, ना ये जलती है, ना ये जलती है लाइट, और ना ही अंदर बल्ब, यानी कि अगर रात को कोई मुसाफिर यहाँ आता है और उसको कन्वेंस की आवश्यकता पड़ती है तो कहाँ जाएगा? तो इनका फ़ायदा क्या? सरकार का पैसा व्यर्थ है यह, और यहाँ रख रखाव भी व्यर्थ जा रहा है, तो किसके लिए ये सुविधा? केवल उनके लिए जो सेक्स वर्कर हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रखा है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी टीम ने बताया कि जो भी रख रखाव है, जो भी सुविधाएं हैं, आखिर किसके लिए है? वो सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए है जो वो रात के अंधेरे में इस गंदे कृत को अंजाम दे रहे हैं, या फिर जनता के लिए जो ये शौचालय बनाया गया है वहाँ के वहाँ पर बिजली की तनिक भी सुविधा नहीं है? तो ये था वो काला सच जिसे आप वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से देख रहे थे। हम यहीं नहीं रुकेंगे, हम आगे भी आपके साथ जारी रहेंगे और इसी तरीके के काले सच का खुलासा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मोहन शर्मा के साथ रचना सिंह, वॉइस ऑफ भारत।